जालंधर। आज जम्मू कश्मीर के सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जम्मू कश्मीर को यह भी पता है कि थ्राइव कैसे करना है, और सर्वाइव करना तो सीख ही गए, थ्राइव करना भी आता है। यहाँ पर ग्रोथ पाथ पे कैसे जाना है वो पता है, लेकिन अब जिसको कहते हैं ना, जो कर्व था, जो ऐसे ऐसे चल रहा था, अब वो कर्व क्लियरली जे शेप कर्व की तरफ जा रहा है कि एकदम टेक ऑफ होने वाली स्टेज। तो जब आप ये देखते हैं सिचुएशन आज, तो क्या देखते हैं आप कि क्या बदला, क्या चुनौतियाँ थी, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं कश्मीर की? और हम अगर बात करें तो अपने बिल्कुल एक जिसे हम एक रनवे पे टेक ऑफ बात करें, तो आज हमारी बिल्कुल वो स्थिति है कि हम कोई भी उड़ान भर सकते हैं। बड़ी मुश्किलें देखी यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, पिछले 30 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो बड़ा टफ टाइम था, और वो 30 साल की जो कसर हम देखें तो 3 साल में जो है वो पूरी हो रही है। और जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज है वो हमारे जम्मू कश्मीर पे बन रहा है, और ट्रेन अगले साल यहाँ पे आ रही है। और अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, अगर G20 जो हुआ और एक पूरी सिटी जो है एक नई सिटी की तरह यहाँ पे बनी है। और अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीर में इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते, उसके लिए 2 घंटे का सेशन चाहिए, क्योंकि कभी उनको देखा नहीं गया। क्योंकि हमारे लोग जो हैं, काफ़ी लोग बाहर जाते हैं। मैं एजुकेशन की बात करूँ, 34,000 करोड़ हम बाहर पढ़ने के लिए देते हैं। टूरिज़्म सेक्टर हमारे पास बहुत बड़ा सेक्टर है, जो पूरा वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर आना चाहता है। और अभी आप देख रहे हैं 3 साल से टूरिज़्म सेक्टर अच्छा कर रहा है, और अच्छा हो सकता है अगर हम इस पर और अच्छा काम करें। फ़्लाइट की टिकटें सस्ती हों, जिस तरह अगर आप बाली देखें, दुबई देखें, सिंगापुर देखें, तो काफ़ी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट इतनी हो सकती है यहाँ पर काफ़ी। मैं तो हमारे जिस तरह LG साहब, नोई सैनल साहब और उनकी पूरी टीम, पूरी डेडिकेटेड टीम का जितना हम शुक्रिया करें उतना कम है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा काम करने के लिए उनको अच्छी सजेशंस और अच्छे लोगों की जो उन्होंने अभी टीम बनाई है। बलदीप जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं अभी, जैसे ये बता रहे थे कि कश्मीर ऑलरेडी ग्लोबली रिकग्नाइज है, इसमें कोई ऐसी कोशिश करने वाली बात नहीं, और बड़ी पॉजिटिवली रिकग्नाइज है। हमारी जो थीम भी थी आज, लोकल से ग्लोबल, कश्मीरी कारपेट्स हो, कश्मीरी टूरिज्म हो, कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी हो, कश्मीरी वाजवान हो, चीज़ें कश्मीर की पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। लेकिन जैसा अभी बलदेव जी बता रहे थे चाय साहब, कि कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, इन्होंने भी कई ऐसे काम शुरू किए जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिज़नेस का स्पिरिट है वो साथ साथ ही चलते हैं। आपने भी बड़े पायनियरिंग बिजनेस इनिशिएटिव्स लिए, आपने होटल्स डेवलप किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए वे डेवलप किया, जैसे होटल्स डेवलप हुए, एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि जो चीज़ें आपने की, जो चीज़ें आपने बिल्ड की, जो एक जिसको कहते हैं एक न्यूक्लियस बना हुआ है, उसको अगले लेवल पर लेकर जाने वाली क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं? तो जहाँ तक बलदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने सारी चीज़ें कही। इस वक्त हमने बड़ी मुसीबत देखी है, 30 साल हमने बड़ी बड़ी शायरियाँ कश्मीरी को दे दी है, इसी वास्ते ऐसे लोग माइग्रेट हो गए, जिसमें मुसलमान ज़्यादा माइग्रेट हो गए, बिकॉज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द पीस। तो माशाल्लाह कुछ 1-2 साल से यहाँ हमारे टूरिज़्म में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुशी है, पीपल टू पीपल कंटैक्ट हैं, सारे वर्ल्ड के लोग, स्पेशली हमारे कंट्री के लोग, हर स्टेट के लोग हमारे कश्मीर आ रहे हैं, लोग के साथ हमारे लोग भी खदमत कर से रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कश्मीर से ऐसी टूरिज़्म जगह हमारी कंट्री में कोई नहीं है। दिस इज़ द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री, दिस इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द इंडिया। मगर 30 साल यहाँ तबाहियाँ हुई, अब नजर 1-2 साल से चल रहा है, पीस भी हो रहा है, काम भी चल रहे हैं। और अभी इस तरह बलदेव चीज़ ने उसे ही कहा, बहुत कब्जे की जरूरत है। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हैंड होल्ड करके उनसे कराने की ज़रूरत है। एंड मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी तक कश्मीर में आज के दिन तक फाहिंग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, सो फार द कश्मीर इज़ कंसर्न। यहाँ के लोगों ने खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और दे आर कैपेबल टू डू मोर एंड मोर, सब्जेक्ट हैंड होल्डिंग बाई द गवर्नमेंट। यही जिस तरह हमारे हर चीज़ में, लोन में, नक्शा, वो ज़रा दिल खोल के विद ओपन माइंड एंड ओपन आई कि ये किस तरह अच्छे तरीके से बिजनेस करेंगे। अदनान, एक तरफ आप हैं,
यंग टैलेंट, 2010 में मिंत्रा के आप मॉडल रहते थे आप, 2010 में जब नया नया मिंत्रा स्टार्ट हुआ तो शायद आपका ही फ़ोटो सबसे ज़्यादा उसमें नज़र आता था, आपके ही मॉडलिंग शूट्स जो है सबसे ज़्यादा नज़र आते थे। उसके बाद आप बाहर भी गए, आप बाहर पढ़ के भी आए, लेकिन आपने चूज़ किया कि आप वापस कश्मीर में आए। तो आप एक ऐसे टाइम पर आए जिसमें एक ट्रांजिशन हो रहा था, और उस टाइम पर आपने चूज़ किया कि मैं वापस कश्मीर में जाकर बिज़नेस को अपना सेटअप करूँगा। आपकी फैमिली बिज़नेस भी थी, लेकिन आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना नाम अपने तरीके से बनाना है। और जब आप मिंत्रा में थे तो आपने वहाँ पर देखा कि किस टाइप का वहाँ पर सामान था, कि चाहे वो सरप्लस स्टॉक है या कैसे प्रीमियम पे बेचा जा रहा है। कश्मीर में भी उस वक्त बहुत सारा सरप्लस स्टॉक जो है वो प्रीमियम पे बेचा जाता था। तो आपने फैशन फिएस्टा की अपनी चेन शुरू की, जिसके कई सारे स्टोर पे स्टोर बनते गए। कोविड में जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए। उसके बाद नई बिजनेसेस में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाहे गेमिंग में जाऊँ, चाहे मैं और चीज़ें, जो चीज़ें कश्मीर और कश्मीर के बच्चों को और यंगस्टर्स को बाहर जाना पड़ता था एक्सेस करने के लिए, आज वो कश्मीर में धीरे धीरे मिलनी शुरू हो रही हैं और आने वाले सालों में मिलती ही जाएंगी। इस बात पे कोई शक नहीं है कि अब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो बेहतर ही होता जाएगा। तो ये जो डिसीजन लेकिन आपने उस क्रिटिकल टाइम पर ली, जिस वक्त आप डिसीजन ले सकते थे कि मैं बाहर चला जाऊँ, तो क्या सोचकर आपने कहा कि नहीं मैं यहीं रहूँगा? एक चीज़ जो हम कश्मीरियों को, सब कश्मीरी को पता है कि वी हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर फॉर द कश्मीर। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्लोज निट सोसाइटी। हर किसी को जो भी कश्मीर से बाहर रहता है, लाइक दे माइट वॉन्ट टू वर्क फॉर फ्यू ईयर्स, बट मोस्ट ऑफ दम आई एम श्योर वॉन्ट टू कम बैक टू कश्मीर एंड यू नो सर्व हेयर और वर्क हेयर। जब मैंने स्टार्ट किया बैक इन 2013, 7 साल बाहर रह चुका था, बाहर का एटमोसफियर देखे लगा कि आऊँगा यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करूँगा एंड आई विल डू वंडर्स, आई विल हैव अ वंडरफुल लाइफ। बट इट वॉजेंट अ केक वॉक। आई एम श्योर इट्स नॉट अ इजी जर्नी स्टार्टिंग अ बिजनेस इन कश्मीर, इज नॉट अ इजी जर्नी फॉर एनी बडी। बैक देन आई रिमेंबर फॉर स्मॉल परमिशंस मेरे को ऑफिस में दौड़ाया गया है। देर वॉज अ मोमेंट जब मैं आई वॉज अबाउट टू गिव अप कि मैं नहीं यार शायद आई शुड जिद छोड़ दे और अपनी फैमिली बिजनेस को चुपचाप कर लो। बट नहीं, आई स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड आई स्टार्टेड फैशन फिएस्टा। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज जो हार्डशिप मेरी जनरेशन या मेरे टाइम पे नए एंटरप्रेन्योर्स को करनी पड़ी, एज मुश्ताक साहब एंड बलदेव सर राइटली सेड, बहुत चेंज आ चुकी है और भी ज़रूरत है। जितना इस नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। आई एम श्योर तब से लेके आज तक बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। आई शुड अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेकिंग जितने भी आपको आप आजकल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी चाहिए होती हैं, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर ऑनलाइन नाउ, सो विच इज़ अ रियली वेलकम स्टेप। बट एज दिस गाइस राइटली सेड कि और भी बहुत ज़रूरत है। रितेश जी, आप एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हैं, आपके मस्टर्ड ऑयल आप प्रोसेस करते हैं और कई चीज़ें आप करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख को अगर आप देखें तो बड़े यूनिक सी ज्योग्राफी है यहाँ की। एक तरफ जम्मू जो प्लेन्स के साथ जुड़ता है, एकदम ही पीर पंजाल रेंज आ जाती है, उसको क्रॉस करते हो आप वैली में आते हो, फिर आप पहाड़ियाँ चढ़ते हुए आप लद्दाख की तरफ पहुँचेंगे। तो ये बड़े डाइवर्स टाइप के ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं यहाँ पर। किसी भी टाइप की बिजनेस के सामने एक लॉजिस्टिकल चुनौती तो हमेशा ही खड़ी रहती है, और कोई चुनौती हो ना हो, एक परमानेंट चुनौती होगी लॉजिस्टिक्स, और उसके सामने जो चैलेंज है आपके पास कि क्या आप सामान पहुंचा पाएंगे, क्या वो सड़कें खुली होंगी, क्या बर्फ़ गिर जाएगी, कितने महीने हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जहां एक तरफ ये एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, दूसरी तरफ यहां पर चुनौतियां भी बहुत हैं। तो जिस टाइप की बिजनेस में आप हो, जहां पर प्रोसेसिंग बहुत इन्वॉल्व है, जिसमें फास्ट मूवमेंट चाहिए गुड्स की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट चाहिए, हमारे को नज़र आ रहा है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फ्यूचर में कैसे देखते हैं आप? जो कश्मीर को बहुत ज़रूरत है एक पॉजिटिव मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में देने का, ये इन सब की वजह से एक पॉसिबल हो पा रहा है। कश्मीर के बारे में तो क्या ही बोलें, पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत है कश्मीर। कश्मीर ऐसे ही जन्नत नहीं है, इसको जन्नत सिर्फ जगह की वजह से नहीं है, यहाँ के लोगों का जो प्यार है, यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ पे हम्बलनेस है, उस सब की वजह से मैं बोलूँगा इसको एक जन्नत का नाम तभी दिया जाता है। वी ट्रेवल अलॉट, हर यहाँ पे हर इंसान बहुत ज़्यादा, और हर जगह पे आप जाके ना आप कंपैरिजन करने की पोजीशन में आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और उन जगहों पे जितना मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चलो जितना भी किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कश्मीर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट।
ऐसी जगह ऐसे लोग जो प्यार और जो चीज़ यहाँ पे मिलती है, जो काम करने का मज़ा यहाँ पे आता है, मुझे अभी तक उतना कहीं भी किसी स्टेट में उस तरीके का मज़ा नहीं आया। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, आज हम देखें कश्मीर बदल रहा है, आई विल से ये डेवलपिंग पाथ पे है, और डेवलपिंग पाथ में आप बात कर रहे हैं टूरिज़्म का, टूरिज़्म में कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, टूरिज़्म में होटल इंडस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होती है, आपका हाउस बोट, शिकारा, आपके टैक्सी ड्राइवर, हर एक बंदा, उससे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ आती है, जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है इकोनॉमिकल ग्रोथ हर एक स्टेट के लिए, यूटी के लिए या कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसमें कंट्रीब्यूशन मैं सिर्फ टूरिज़्म का ही नहीं बोलूँगा, उसमें प्रोडक्ट्स का भी आता है। कश्मीर के वॉलनट्स, कश्मीर का एप्पल, कश्मीर का आप एलमंड्स की बात करिए, सैफ्रॉन, ईरानी सैफ्रॉन कश्मीर से कितना सस्ता है, बट जो क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इनफैक्ट जो अभी एक नया हमारा पर्पल जो रेवोल्यूशन चल रहा है, जो यहाँ पे लेवेंडर की जो अभी हम क्रॉपिंग है, मतलब कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो अपने में ही जो क्वालिटीज़ देखी गई हैं पुराने जहाँ बाकी सारी हैं उनसे, क्योंकि बिकॉज इट्स अ हिमालयन रीजन, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ के हैं, इवन द वेजिटेबल्स, हम उनकी बात करें, बिकॉज आई एम फ्रॉम द एग्रो इंडस्ट्री, तभी मैं थोड़ा सा उस चीज़ों से रिलेट कर सकता हूँ, इनमें बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट आता है। तो डेवलपमेंट की तो बिल्कुल ही एक बदलता हुआ कश्मीर आ रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी रहेंगी। और ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे आपने ये जो बात की और जिस तरीके से ये बताए, देखिए ज्योग्राफिकल एरियाज़ में हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीजन एक ही है, रास्ता अगर बंद भी होता है एक या दो दिन, गवर्नमेंट उसको ट्राई करती है जितनी जल्दी से जल्दी, और सबसे पहला उनका मोटिव ही रहता है, क्योंकि सप्लाई सारी बाहर से आती हैं, कश्मीर में उतनी सप्लाईज यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा एक नॉर्थ में रीजन है, यहाँ पे अपने हमारे पास कोई वो चीज़ नहीं है कि इंडस्ट्री यहाँ से डेवलप हो सके। रॉ मटेरियल्स मैक्सिमम हमारे सारे बाहर से आते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हमारे यहाँ पे हैं, जब ये यहाँ से सप्लाईज होती हैं तो गवर्नमेंट का भी पूरा ध्यान रहता है कि हमने वैली में जो रास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक करें। बशारा जी, आपके पास अगर हम आए तो जितनी भी बिजनेसेस यहाँ पर हैं या आएंगी, उनको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से लोगों तक पहुँचना है, मार्केटिंग उसमें बहुत मैटर करती है। आपने मार्केटिंग के एरिया में अपने आप को डेवलप किया, आपने भी चैलेंजेस फेस किए। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता लगा कि पहला जॉब आपने शुरू किया था तो 500 रुपये उसमें आपकी सैलरी होती थी, आपको फोटोकॉपियर अगर आप बेच पाते तो आपको कमीशन मिलता, तो आपने स्ट्रगल करके पहला फोटोकॉपियर बेचा अपना, जिसमें आपको फिर 10% कमीशन मिला। उसके बाद से फिर धीरे 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 चलते चलते, जिसको कहते हैं देयर वाज नो टर्निंग बैक। तो डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग जो आउटरीच चाहिए होगा बिजनेसेस को मॉडर्नाइज होने के लिए, क्योंकि दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, एक तरफ जहां कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पीस आ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया में भी कई चीज़ें बदल रही हैं, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी में देखें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें, बहुत चीज़ें बदल रही हैं जिनका इम्पैक्ट आएगा, उन चीज़ों का ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं या अपनी ग्रोथ जर्नी देखते हैं, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप आज अपने सामने देखते हैं? पहले तो यहाँ पे इतने सारे मुदब्बिर, मुफक्किर और मुफस्सिर बैठे हैं, इन्होंने तो आपको मुबारकबाद दी ही है। तो मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा का एक शेर है, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। जैसा इन साहिबान ने अभी फरमाया कि अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो रही है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हुई है, जबकि अगर हम देखें कि ज़्यादा इकोनॉमी जो यहाँ पे फ्लो जाता है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, वर्किंग क्लास का आता है। रही बात दूसरी, जो आपने कहा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में क्या फ़र्क आया है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंज, देयर हैज़ बीन बड़ा डिफरेंस आया है। जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्किल्स रहा करता था, कोल्ड कॉलिंग की हुआ करती थी, वन ऑन वन इंटरेक्शंस हुआ करते थे, तो डिजिटल मार्केटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो उसमें से बहुत सारी चेंज आ गई है। एंड वी से वी हैव टू गो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, बट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बींग वी हैव टू बी स्टिक टू आवर लोकल, जो हमारा जो फील है, जो आपकी लोकेलिटी की जो रूहानियत है उसको छोड़ना नहीं है। पीरज़ादा हैद साहब आपके पास आते हैं, और बलदेव जी ने एरिया को मोबिलिटी प्रोवाइड की, चाय साहब ने हॉस्पिटैलिटी, अदनान ने फैशन, रितेश जी ने प्रोसेसिंग, बशारत जी ने मार्केटिंग, सारी बात फिर आ जाती है ज्वेलरी के ऊपर।
तो ज्वेलरी की अगर हम बात करें और हम गोल्ड की बात करें तो क्या ट्रेंड्स आपको नजर आते हैं, क्योंकि आपका बड़ा फोकस रहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस, लैब्स, टेस्टिंग, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, खास करके ऑनलाइन अवेलेबिलिटी करनी, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन अवेलेबल रहे। अगर हम ज्वेलरी और गोल्ड को देखें तो वो भी एक सोसाइटी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं आपको कि वहाँ पर क्या ट्रेंड्स हैं, उसका क्या ऑफ टेक हो रहा है, किस तरीके से उसको लिया जा रहा है, क्या उसको गोल्ड को गोल्ड के फॉर्म में लिया जा रहा है या ज्वेलरी के फॉर्म में लिया जा रहा है, ज्वेलरी के फॉर्म में अगर लिया जा रहा है तो उसमें क्या ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं आपको, क्या उसमें जेम्स भी आप देख रहे हैं या सिर्फ गोल्ड को देख रहे हैं। अगर गोल्ड के साथ जेम्स आने शुरू हो जाएंगे तो वो एक ट्रेंड इंडिकेट करने लग जाएगा मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और कि इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है, तो क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं आपसे आप इस सारी मार्केट में, क्योंकि उससे हमारे को काफ़ी कुछ पता लगेगा कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 का और अपने साहब मुश्ताक साहब, बलदेव साहब, अदनान साहब, सबके साथ स्टेज शेयर करने का। देखिए कश्मीर में हमेशा एक लैविश लाइफ रही है, कश्मीरी लोग जो है वो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं जो हमेशा एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कोई वो रेगुलर ट्रेंड नहीं चल रहा है, यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है, जो कश्मीर में अपनी डिज़ाइंस बनते हैं वो माशाल्लाह पूरे इंडिया में पसंद किए जाते हैं। और उसको हमने ट्राई इस बेस पे किया है कि हमने कुछ इवेंट्स नेशनल लेवल पे किए थे जहाँ पे हमने यहाँ की ज्वेलरी वहाँ पे डिस्प्ले में रखी और वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई। और दूसरी बात ये है जो यहाँ पे जो ये इस टाइम पे जो जितने भी डिज़ाइंस आप कहते हैं वो पूरे इंडिया से आते हैं, पूरे इंडिया से, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे किसी भी स्टेट का हो, हर एक जगह से डिज़ाइंस कलेक्ट करके फिर कश्मीर में आते हैं। और कश्मीर में लोग ज़्यादातर ज्वेलरी ही पसंद करते हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ पे ज्वेलरी का पहनावा बहुत टाइम से है और हमारी मैरिज में तो ये पार्ट है एक ज्वेलरी का, और उस चीज़ के लिए यहाँ पे लोग ज़्यादातर ज्वेल ही लेते हैं। और अब जेम्स की बात करें, अब माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायमंड भी अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्लेटिनम भी अब आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों के साथ। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ हमने कश्मीर में देखा है, जितने भी लोग चाहे छोटे हैं बड़े हैं, हर एक इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पार्ट में लेना चाहता है, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कभी हमारी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आए उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा चीज़ एसेट हो जिसको हम कैश फॉर्म में उसी टाइम सेल कर सके। तो ज्वेलरी आप जानते ही है कि ये एक ऐसे कैश फॉर्म में है कि आप कभी भी इसको सेल आउट कर सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप यूरोप से अभी पहुंचे हैं, आप बाहर कई बार ट्रैवल किया, आपने देखा वहाँ पर, दूसरी तरफ आप ये बता रहे थे कि जो कश्मीरी प्रोडक्ट हैं उसकी बहुत डिमांड रहती है बाहर, लेकिन अगर चाहे आप स्पाइसीज ही ले लें, चाहे आप सैफ्रन ही ले लें, चाहे आप कैवा ही ले लें, इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड है, इन सब चीज़ों की बहुत पहचान है, लेकिन जैसे जैसे आपकी तरक्की होगी उसमें एक साइड इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा कि उसमें कॉपी कैट्स, नकली आइटम, कश्मीर के नाम पर चीज़ें, कश्मीर का सैफरन, कश्मीर की स्पाइसेस, कश्मीर के कारपेट, सब कुछ कश्मीर के नाम पर चलना शुरू होगा। तो आप क्योंकि कई इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी इन्वॉल्व हैं, तो आप किसी तरीके से वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को मेनटेन करना अपने यूनिक प्रोडक्ट्स की, उसके लिए भी कुछ ऐसा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर अभी तक नहीं थी तो ये आप मान के चलिए कि ये प्रॉब्लम आपके पास आने ही वाली है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, यू हैव नेल्ड इट। बेसिकली जो कश्मीर का नाम है, इससे पहले जो है पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में बेचा करता था, अमृतसर के शॉल बेचे करते थे कश्मीर के नाम पे, उससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इतना नुकसान हुआ है, हैंडमेड शॉल्स को, हैंडमेड कारपेट्स को इतना नुकसान हुआ है। ये हमारा एक ये सेक्टर था, ईरानी सैफरन बेच के या मिक्स सैफरन बेच के, कोई स्पेन से सैफरन लुधियाना में बने अगर शॉल्स आपके पश्मीना बनकर अगर बिक जाएंगे, एब्सोल्युटली आप हैरान हो जाएंगे। जो हमारा पश्मीना है 50,000 का शॉल होता है, मिनिमम 50-60,000 रुपए का शॉल होता है, बट यू वुड बी सरप्राइज, इसकी इंटीमेशन ऐसी हुई है कि 200 रुपए का अमृतसर का शॉल मशीन मेड बना के वो कश्मीर के नाम पे लोगों ने चीट किया है, कश्मीरी टोपियाँ दे के और कश्मीरी फिरन लगा के, कुर्ता पजामा लगा के लोगों ने बेचा है। इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर आस। देखिए इसके लिए सरकार को भी स्ट्रिक्ट रहना है, हम हर किसी फोरम में, गवर्नमेंट में हम ये बोलते हैं, इनफैक्ट GI आइडेंटिफिकेशन जो हमारा हो रहा है अभी, हमारा सैफरन में हो चुका है, हमारा चिलीज़ में हो रहा है। देखो चिलीज़ हमारा कश्मीरी चिलीज़ नाम पे बेड़की के चिलीज़ वो जो है कर्नाटका वाले बेच रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग इट ऑन प्रीमियम जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ कश्मीर। हमारा उतना है ही नहीं प्रोड्यूस जितना वो हम वो बेच रहे हैं, और दे आर सेलिंग इट एट द प्रीमियम, दे आर गेटिंग 300 rupees a kg मोर फॉर दैट। ऐसे ही जो सैफरन का, सैफरन की बात है, ईरान से इम्पोर्ट होके यहाँ पे हमारे ही कुछ भाई बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, और उस ट्रेड को भी ख़राब किया हुआ है।
इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो इसमें हुए हैं, हमारे इसमें जो सैफरन में हुआ है, पश्मीना में हुआ है, कारपेट में होने वाला है, चिलीज़ में होने वाला है, गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है उस पर। ये आने वाले टाइम में ब्रांड कश्मीर को डेवलप करेगा एंड आई एम श्योर 100% श्योर दैट वंस इट इज़ स्टॉप्ड देयर वुड बी कश्मीर वुड बी एज इट इज़ अ ब्रांड इट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट ब्रांड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो बिल्कुल हमें जी, एजुकेशन का लेवल जम्मू कश्मीर पे हाई है, कोई यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम नहीं है जो और कई जगहों पर है। ऑब्वियसली स्कोप तो डेवलपमेंट का हमेशा ही रहता है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और फिर एक बड़ा क्रिटिकल गैप होता है कि इनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन, कॉलेजेस अब्रॉड, कंट्री के अंदर ही जो चैलेंजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपका जो है कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहेगा, तो वहाँ पर आप एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जो एक सप्लीमेंट्री क्लासेस हो गई, कोचिंग क्लासेस हो गई, एक एजुकेशन का एक पूरा जो एक आपने अमला पूरा इन ए वे तैयार किया हुआ है यहाँ पर, तो उस तरीके से अगर आप देखें तो क्या आपको नज़र आता है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसमें क्या ट्रेंड आपको नज़र आ रहे हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, आपको पता ही है ऑनलाइन का प्रचार बहुत है अभी, तो हम एज कश्मीरीज भी इवॉल्व हो गए। हमारे जो कोचिंग सेंटर, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ कोचिंग सेंटर एसोसिएशन का, तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन जिसका यहाँ पर नाम लिखा है इससे ज़्यादा लव करता हूँ इंडस्ट्री को, कोचिंग सेंटर इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इससे इसके साथ तकरीबन 50,000 लोग मुंसलिक है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे रोज़गार जो कमाते हैं, इज्जत बाइज्जत वो मतलब कमाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो लोग हैं खाली इस इंडस्ट्री में ना जाएं, क्या नाम है अपना जो ट्रैवल है या होटेलियर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस इसके बगैर भी है, बहुत सारे एवेन्यूज़ है, जैसे एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ा खला है, उसमें अभी भी मतलब है, उसमें भी जा सकते हैं बच्चे। तो जावेद साहब, अगर हम आपके पास आएँ तो सारी चीज़ें अगर हम देख लें तो एक बात ज़रूर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर में। इससे पहले काफ़ी बार अगर कोई आपको एडवांस्ड हेल्थ केयर चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है, एम्स दिल्ली जाना पड़ता है, या और एडवांस फैसिलिटीज़ लेने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ रहा था। फैसिलिटीज़ धीरे धीरे यहाँ पर बन रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब डेवलप हो रहा है, वो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या जो डिमांड है वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं? कश्मीर का जो हेल्थ सेक्टर है 90 से लेकर, अगर हम 90 की रेफरेंस ले लें तो बहुत पोर रहा है, बट सिंस 2002 बहुत प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं श्रीनगर में, इवन ऑल ओवर वैली में, पूरी वैली में खुल गए हैं। कोशिश हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की ये रही कि मैं अच्छी हेल्थ फैसिलिटी उनको दे दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत पुअर रहा है, और हम पूरी जो एसोसिएशन हमारी है वी ऑफन मीट, तो हम ये चाहते हैं कि पूरा जो ये स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर पाए। रिसेंटली हमने अपना एक हॉस्टल खोला है फ्रेंड्स हॉस्टल के नाम से, दैट्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल रहे हैं, बट देयर इज ओनली वन हॉस्टल विच इज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्टल, वी प्रोवाइड मल्टी स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी सर्जिकल वो यूनिट्स, वी हैव 5 मॉड्यूलर थिएटर्स जो कि पूरे श्रीनगर में किसी के पास नहीं है। आई एम प्राउडली सेइंग कि बहुत मेहनत करके हमने बड़े डिज़ाइन और स्टेट ऑफ आर्ट के तरीके से हमने बनाए हैं, और हमारे पास बहुत स्किलफुल प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं हमारे पास जो कोशिश करते हैं, इवन जो बाहर रहे हैं हमने उनको भी बुलाया है, आधे कुछ कश्मीरी पंडित्स हैं, रिनोन्ड ये डॉक्टर्स हैं, उनको भी लाया है हमने, जो यहाँ पे एक जो दिल्ली जाना पड़ता था उनके, तो हम उनको यहाँ ले आए हैं। महजबीन जी, आपके पास आऊँगा मैं कि ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ में ही समाज और आवाम के अंदर क्या हो रहा है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ पर क्या फीलिंग है, वहाँ पर लोग कैसे देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें थीं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, आगे क्या होगा। तो अगर आप, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स, या क्या आपको लगता है कि सॉल्यूशंस वहाँ पर क्या हो सकती हैं? मैं एज अ एक सोशल एक्टिविस्ट अपनी बात रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक मौजू पर बात हो गई, मगर मेरे जवानों की बात किसी ने नहीं की। हमारा कौम, हमारा मुल्क, हमारा कश्मीर तभी है जब मेरा यूथ है, जब यूथ है तो हमारा कौम भी है, हमारा हर एक चीज़ तभी चल सकता है। मेरा कौम का जवान अभी ड्रग्स की तरफ जा रहा है,
खुदारा इसको बचाओ, खुदारा जो भी यहाँ पर अभी सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो पहल कर ही। तो हम अभी जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें बेशक ये बात हुई कि कितना पोटेंशियल है कश्मीर में, टैलेंट है, देर इज़ नो डर्थ ऑफ टैलेंट, पीपल आर टैलेंटेड, देर एजुकेटेड, देर अवेयर। सो इसी टैलेंट को हार्नेस करने के लिए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप? सो लेट मी फर्स्ट बिगिन विद माय फर्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर सजाद अहमद यतू, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है 7-Eleven डिपार्टमेंटल स्टोर के। इट इज़ वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन कश्मीर। एंड सबसे पहला जो मैं जिससे हम ओपन करेंगे सेशन को, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब पोटेंशियल को हार्नेस करने की बात आती है तो सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसे हम माना जाता है। क्या आपके ख्याल से आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो एक पिनिकल पे पहुंच गया है, या अभी विल इट गो डाउन, इज़ इट बाउंड टू गो डाउन फ्रॉम हेयर, और इज़ इट हेयर टू स्टे? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? हमारे यहाँ एक रिटेल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको लैंड दिया है खनमू में, दूसरी जगह सनत नगर में, या कहीं भी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, अब लोग दिन ब दिन ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। हमें दिमाग में ये रखना है कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं उससे पूरा काम नहीं चलता है, और पूरा वो तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एक प्रोसेस होना चाहिए एक बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के लिए, एक सेटअप करने में। लोकल डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जितने सारे हैं वो हर एक सपोर्टिव हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस जिसको बिज़नेस सेटअप करना है। छोटे छोटे MSMEs हैं, अगर उनको बिज़नेस स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ लेनी है वो ले सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कोई भी सेक्टर हो, कहीं भी हो, कर सकता है इंसान काम। कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए, कश्मीर को माशी तौर बेहतर बनाने के लिए हमें नौजवानों के जज्बात और एहसास की भरपूर तर्जुमानी करनी चाहिए, और हमें नौजवानों के जो जज्बात हैं, नौजवानों की जो दिल की धड़कने हैं उनको महसूस करने की ज़रूरत है। जहां तक कौंसल बांडीपोरा का ताल्लुक है, हमने वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमल में लाए हैं जो आज से 50 साल भी नहीं थे, और जो लोगों के ख्वाब थे वो शर्मदे ताबीर हुए हैं। चाहे वो कार पार्किंग का मामला हो, चाहे वो स्लॉटर हाउस का हो, चाहे वो मैरिज हॉल हो, या चाहे वो शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, या टर्मिनल बिल्डिंग हो, चाहे नया बस अड्डा हो। और आपको ये जानकर भी मसरत होगी कि निशात पार्क बांडीपोरा में कश्मीर का वाहिद सोलर ट्री जो बांडीपोरा में लग गया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं खासकर हर चीज़ में माने जाते हैं, मेहमान नवाजी में माने जाते हैं, किसी की मदद के लिए आगे आगे आ रहे हैं, सैलाब हो, कुछ भी हो, तो कश्मीरी आगे आगे। लास्ट 3 डिकेड से वी आर लास्ट ईच एंड एवरीथिंग इन कश्मीर। वो पूरा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कश्मीरी का दिल इतना बड़ा है, दीन के लिए ये कुछ भी कर सकता है, सोशल वर्क के लिए ये कुछ भी कर सकता है। आई एम प्राउड दैट आई एम एन कश्मीरी। जैसे तीन पैनल्स अभी तक हुए हैं, और तीनों पैनल्स में बहुत सारी बातें हुई हैं, और आपका टॉपिक भी है हार्नेस पोटेंशियल ऑफ यूथ ऑफ कश्मीर। व्हेन आई कम टू माय दिस जो मेरा फोटो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उससे मैं पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें बदलने की कगार पे हैं। लोग बोल रहे हैं हालात ठीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, टूरिज़्म आ रहा है क्या, लेकिन हम लोगों के जहन बदल रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने जहन बदलने पड़ेंगे। कौम को बदलने के लिए उसको जहन बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 3,000 करोड़ का बिजनेस होता है सलून्स का, और हमारे जो नाई हैं सारे यूपी से आते हैं, वो अपना रोज़गार कमाते हैं, और कोई कश्मीरी नहीं कहता, कोई कश्मीरी तैयार नहीं है नाई बनने के लिए। लेकिन यही कश्मीरी जब बाहर जाता है उसे नाई नहीं बुलाया जाता, उसे स्टाइलिस्ट कहते हैं। फैशन इंडस्ट्री में आते हैं तो फैशन इंडस्ट्री में आप मनीष मल्होत्रा, किसी का भी नाम ले लीजिए, यहाँ हम उसे फैशन डिज़ाइनर नहीं बोलेंगे, हम उसको टेलर बोलते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू चेंज आवर मेंटालिटी टुवर्ड्स द वर्क।
My opinion about being here, I have heard, and this is also a truth, that it is the decade of India. And I am treating it as it is the decade of Kashmir. So we have lots of opportunities. So far as my experience here, being a consultant over here, and has taken lots of roles and responsibilities to be responsible to the society, I feel that there we have a lot of potential. But this potential needs to be harvested. Both the private sector as well as the government, both are the stakeholders in this. And wherein that if in real sense we harvest our potential that we have here, and definitely we should be able to overcome and see that our economy is growing a lot. मैं पहले आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज आप लोगों ने पहले ऐसे मौका दिया है यूथ को यहाँ पे आने के लिए बिजनेसमैन इसमें मैं बड़े बड़े टाइकून बिजनेसमैन है और छोटे छोटे एक बात कहना चाहता हूँ कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर और लोग आते गए और कारवां बनता गया क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ जैसे कि मैं आज देख रहा हूँ यहाँ के बिजनेसमैन है उनके साथ आज नए भी यंग है मैं बहुत खुश हूँ और मैं देख भी रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में क्योंकि 4 साल तो हो गए एवरी आर्टिकल के मगर मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ 2 सालों में इतना चेंज आ गई है कश्मीर में खास करके बिजनेस की अगर बात की जाए डेवलपमेंट की जो मैंने देखा है जैसे कि हर एक के अपने अपने तासुरात थे हर एक ने अपने अपने ख्यालात जाहिर किए हैं तो किसी ने अपने टूरिज़्म के बारे में कहा क्योंकि अगर आप देखोगे खास करके टूरिज़्म जहाँ तक पिछले 2 साल में बॉर्डर टूरिज़्म अब शुरू हो गया है यहाँ पर शायद आपको उस चीज़ का मुझे नहीं पता है क्योंकि बॉर्डर टूरिज़्म शुरू हो गया है यहाँ पर बांगस तो कोई जाता नहीं था बांगस में तो अब कैंप लगते हैं यहाँ तक कि गुरेज की बात करिए वहाँ कमरा ही नहीं मिलता है तो टूरिज्म बढ़ गया पिछले 2 साल से अगर आप यूथ एंगेजमेंट देखोगे काफ़ी हो गई है अब जिससे तारुफ करवाने जा रहे हैं हंसराज हाजी जिनको हर कोई जानता है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाएंगे फैन नजर आएंगे भारत में नहीं बल्कि आप अमेरिका इंग्लैंड कनाडा कहीं भी चले जाए मुझे लगता है हाँ जी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले आप गीत गा रहे हैं मेरे फादर आपके फैन थे और यहाँ तमाम जो ऑडियंस बैठे हैं तो इतना लंबा अरसा और सबसे पहले आपको कश्मीर आने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं कैसा लगा कश्मीर आके न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ 18 है इसका टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली ज्योति कंवल जी का और पंकज जी का उसके बाद जितनी ऑडियंस है वज़ीर खातिर हजरात आप सबको आदाब अस्सलाम वालेकुम नमस्कार तो बहुत आला दर्जे के फनकार मियां राशिद जी को सुनने का मौका मिला बहुत शुक्रिया तो आपने पूछा कि कैसा लगा कश्मीर में आना क्योंकि जन्नत कहा जाता है स्वर्ग कहा जाता है हाँ जी रोज़े हशर में तो पता नहीं हम लोगों का क्या हशर होना है धरती की जन्नत तो देखते रहना चाहिए तो जहन सुनी ठीक है बाकी मेरा बहुत ज़्यादा कर रहे थे आप भी वो मैडम भी मेरा तो छोटा सा तारफ है कि हुए हैं इश्क नाम के बुज़ुर्ग है दोस्त इश्क की आप बात कर रहे थे हुए हैं ईश नाम के बुज़ुर्ग ए दोस्त हम फ़कीर भी उसी सिलसिले के हैं क्या बात लगभग 4 दशक आपने इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं सूफी फोक हर तरह के आपने गीत गाए हैं लेकिन जो आपका शुरुआती दौर था जो मुझे जानकारी है कि दरगाह से शुरू किया था आपके ख़ानदान में आपके परिवार में कोई गाता नहीं था खेतों में काम करते थे और जब आप दरगाह पर जाते थे और वहाँ आप वो संगत में चले गए तो कई बार आपके पिता जो हैं वो आपके थप्पड़ भी मार देते थे कि यार हंस कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हैं पिता होते इसी काम के लिए पिता को चिंता होती है ना माता को चिंता होती है वो उस वक्त तो लगता कि शायद वो तशद्दुद कर रहे हैं अपनी औलाद पे लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए और हमें उस वक्त नहीं पता रहता हम यही सोचते हैं कि ये कौन सा शख्स है घर में रहता जो हमेशा झटकता ही रहता तो बाद में पता चलता कि माँ बाप अब माँ बाप के बारे में तो बुज़ुर्गाने दीन ने भी कहा है कि अगर जन्नत का नज़ारा करना तो माँ के कदमों में एक बार बैठ के देख क्या तो मेरा ख्याल ऐसे माँ बाप मुझे भी
थोड़ा फिक्रमंद थे, हम खेतों में काम कर उनको अच्छा लगता था करना, वो जद्दी पुश्ती वही काम था। तो मैं गाने लग गया बेसाख्ता ही, इस डेस्टिनी कह लें वो वही भाई, कैसे शुरुआत अरगाव में जाना कैसे शुरू किया, पता वहाँ वोट मिले और किस तरह से सुफियाना के रंग में आप रंगे गए? वेल कोई प्लैंड नहीं था हमारे गांव देहात में उस वक्त, ये अब तो प्लानिंग करते हैं बच्चे को कहाँ पढ़ाना है क्या करना है, उस वक्त तो बस ऐसे ही था चलता था। तो बस वो जब थोड़े सख्त मिजाज थे वाले साहब मेरे, तो मैं घर से भाग गया। ओ वक्त अच्छे थे उस वक्त, बच्चे किडनैप नहीं होते थे तो मैं जिंदा हूँ। तो मैं अपने जो मेरे मौसीकी के उस्ताद मोहतरम हैं वो सूफी सिंगर जी, उस्ताद पूरन जनाब पूरन शाह कोटी साहब जी, तो उनके कदमों में मैं गया गाना सीखने। वो आगे बैंत थे किसी दरगाह पे, बहुत बड़े फ़कीर बाबा मुराद शाह गुलाम शनाई, इनको लगोद साई भी बोलते, बापू लाल बादशाह सरकार। तो फिर वहीं पे मेरी तरबियत परवरिश हुई। तो मोबाइल शबाइल होते नहीं थे, मार होती रही, बाप भी थोड़ा उदास भी होते होंगे लेकिन गुस्से में फिर ज़्यादा के वाह वाह याद पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं अहद करके गया था कि मैं कामयाब ना हुआ तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, फ़कीर बनकर रहना अच्छा लगता है, सूफी बनकर अच्छा लगता है, सांसद बनकर अच्छा लगता है, या जब लोग पद्मश्री के लिए जाने जाते हैं, या फिर अमेरिका में जब आपको प्रोफेसर की उपाधि दी गई वहाँ भी आपको इतना बड़ा किताब मिला? बस मैं तो एक प्रे के जरिए जवाब दे सकता हूँ, एक दुआ मांगता हूँ अपने परवरदिगार से कि जिंदगी दी है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तो ने सिखाई है कि मैं गूंगा था, क्या गुफ्तगू तो ने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तो ने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे मालिक, मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं किसी गैर के हाथों से समंदर भी ना लूँ, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। बस मैंने तो जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है सरेंडर किया हुआ है। मैं ऑटो पे लगा हुआ बताऊँ, कोई यहाँ पे बैठा दो, मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ जी, कोई फकीर कहता है, कोई नगोदर दरगाह में आप जाते हैं, कोई सूफी कहता पता है, पता नहीं। मैं जो खुद सोचता हूँ बजाते खुद अपने बारे में, वो यही सोचता हूँ कि मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, ये मिट्टी हैं, हम मिट्टी से आए मिट्टी में एंड हो जाएगा। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। आज हंसराज है, कल हंस हुसैन भी दोस्त। क्या पता उस माँ ने जोरावर सिंह का नाम रखा था मेरा। अच्छा, माता जी ने जोरावर सिंह तो हंसराज हंस कैसे? पता नहीं, मैं पाकिस्तान गया, मामा यूसुफ कहते थे। जिसका जो दिल करता बुलाई जाता है। मुझे तो इतना पता है कि इस शरीर को मालिक ने पता नहीं कुछ काम वाम लेने के लिए पैदा किया होगा। ऑनेस्टली जिस भी शोबे में हैं आप, तो उसमें काम वाम करते रहो। जब शो बिजनेस में था तो उसको उस वक्त सिर्फ मैं यही सोचता था, अब डाइवर्ट हो गया तो बस भारत माता की जय। क्योंकि वारिस शाह आपने सुनी गाई, जो उनके जो तमाम बुल्ले शाह लोग, बहुत सारे लोग समझते थे कि हीर रांझा जो है वो एक इमेजिनेशन है, वो करेक्टर है या वारिस शाह का खुद है। लेकिन आज जो आपसे मेरी बात हो रही थी, वो किस्सा बताइए कि हीर रांझा असल में कौन थे, कैसे थे, और आप तो जब पाकिस्तान गए थे वहाँ पर वो सारा इंसिडेंट अगर सुना सके। मेरी जस्त जो थी, आरजू थी कि किताबें छोटे होते पढ़ते थे,
तो हीर रांझा कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, तो मैं फिर घूमता रहता था पूरी दुनिया में, ऐसा मुसाफिर ही रहा हूँ मैं। तो जब पाकिस्तान गया तो पता किया तो कह रहे लगे वो ख़ानदान अभी जिंदा है, उनके ख़ानदान। बहुत सारे लोग समझते थे कि इमेजिनेशन है। आप यहाँ मुझे आज इन्होंने भी यही कहा कि ये जस्ट इमेजिनेशन है या वारिस शाह खुद हो सकते हैं। सैयद वारिस शाह ने लिखा है। मैंने कहा नहीं, ये सच्ची कहानी है और मैं मियाँ रांझी के ख़ानदान के एक फ़र्द को मिल के आया, वो वहाँ लाहौर में जज है। तो इनको यकीन नहीं आ रहा था। फिर भला हो जिसने मोबाइल बनाए। मैंने कहा दिनों दिन वो देखो, उन्होंने बात भी कमाल की। कहने लगे मैं शहर से गांव गया हुआ था, अपने पिंड गया हुआ था, पंजाबी में कह। मैं क्या पिंड का नाम लो ज़रा। कहते तख्त हज़ारे गया। जब तख्त हज़ारे किया मुझे एकदम याद आ गया रांझा साहब, मियाँ रांझा वहाँ पे पैदा हुए थे। वो उन्हीं की वो हवेली भी कायम। हांसी ने आज बात करवा दी, रांझा के जो परिवार आगे, खानदान आगे चल रहा है, उनके फैमिली मेंबर जो हैं वो जज बन चुके हैं इस समय, तो उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले। दूसरा हांसी, क्योंकि जिस तरह से इश्क को आपने डिस्क्राइब किया, मोहब्बत को डिस्क्राइब किया, आपके लिए इश्क और मोहब्बत क्या है, किससे सबसे ज़्यादा इश्क और मोहब्बत? ये इश्क से क्रिएशन हुई है सर। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सो जग दा मोल भी आ। पहले आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल भी आ। सरकार जो रहमतुल आलमीन बन के आए हैं उनके इश्क में ये कायनात बनाई गई है, तो खुदा की ज़ात इश्क है। इश्क के बिना तो मुर्दा ही है आप। आपका पहला इश्क? इश्क पहला दूजा भी इश्क इश्क बता। वारिस शाह, लैला मजनू, वो जो कहानियाँ थी या वो या आपके टाइम, उसमें उस अपने क्या फर्क है, उस टाइम का क्या इश्क और मोहब्बत? इश्क तो वैसे ही है, लोग थोड़े कम, थोड़ा लेवल इश्क ज़िंदगी से ताल्लुक रखता है। ये जिस लेवल की थिंकिंग है उसी लेवल के गाने हैं, उस लेवल का ही है। लेकिन ये नहीं है कि खाली होगी दुनिया, अभी भी होगी। अभी वारिस शाह नहीं है और शायर नहीं उसकी मोहब्बत को उजागर का है। नो, सच्चे सादिक लोग हैं, ऐसी कोई बात। दूसरा, क्योंकि नुसरत साहब के साथ आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस की, गुलाम साहब के साथ बहुत सारी परफॉर्मेंस की, कोई ऐसा किस्सा जो आपको साथ जोड़ता हो, उनकी वो बातें हमेशा याद रहती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो एक आपका दौर था वो सब, वो शायद अभी कमी नज़र। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली मरहूम को आप जानते हैं? सभी जान, नुसरत साहब सब जानते हैं पूरी ऑडियंस। तो वो जीनियस थे, वो दुर्वेश थे, वो कमर्शियल सिंगर नहीं थे, वो असल सूफी सिंगर थे। तो वो लोग हैं जो 500-600 साल से ये काम। तो मेरी बहुत तमन्ना थी, आरज़ू थी कि उनके ज़ियारत की जाए, मिला जाए। तो इंग्लैंड में एक एशियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट होता है, कुछ जज इंडिया से जाते हैं, कुछ वहाँ से। तो इंडिया से मुझे ही कॉल किया गया, उधर से मैंने जाके पूछा कि पाकिस्तान से जज कौन है। तो कहने लगे वो जो चले आ रहे हैं। तो नुसरत फ़तेह अली खान को मैंने देखा तो ऐसे लगा जैसे स्वर्ग का पहाड़ ही चला आ रहा था। बस वो पहली मुलाकात थी। फिर मुसलसल बॉलीवुड में उन्होंने स्टार्ट किया, पहला गाना कच्चे धागे, फिर से धागे आ रहा, उन्होंने इकट्ठे। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे से उन्होंने गवाया कच्चे धागे का गाना। ऐसे चलता रहा सिलसिला। फिर ओबर ने वफा नहीं की, उनको कुछ ऐसी सेहत याबी ना मिली उस टाइप की, लंबी उम्र होनी चाहिए ऐसे लोगों की। उनका इंतकाल हो गया बस ऐसे। थैंक यू सो मच सर।